सभी सुधि श्रोतावृंद, परिषद का, संसद का ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें स्वामी जी से प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय प्रवचन का वरदान हमेशा प्राप्त होता रहता है। पहले स्वामी आत्मानंद जी की कृपा रहती थी, संसद में 17 बार उन्होंने प्रवचन दिए और उसके बाद स्वामी सत्यरूपानंद जी ने वह बागडोर अपने हाथ में संभाल ली और उसके बाद निरंतर हमें वो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस बार का जो स्वामी जी का प्रवचन का विषय है, लीक से थोड़ा हटकर, हमेशा अपने या तो गीता पर सुनते हैं या उपनिषदों पर, कभी ईशावास्य पर, कभी नारद भक्ति सूत्र पर, कभी गीता के 12वें अध्याय पर, इस प्रकार से विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है। आज का विषय जिसने कहा लीक से हटकर, आज अपनी बात स्वामी जी यात्रा की बात करने जा रहे हैं। यात्रा सबकी चलती रहती है, घर से ऑफिस की भी चलती रहती, महिलाओं के बाजार तक की भी चलती रहती, छात्रों के स्कूल तक की चलती रहती। कभी कभी बाहर जाते हैं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी यात्रा मानव जीवन की, अब ये जो मानव जीवन की यात्रा है, इस यात्रा पर इतनी बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं, तो ट्रेन में बैठते हैं तो ये थोड़े कहते हैं भैया किसी स्टेशन का टिकट दे दो, हंसेगा वो, अरे भाई कहाँ जाने का है, नाम बताते हैं, तो फिर ट्रेन की बात करते हैं कहाँ जाने का, क्योंकि ट्रेन का चयन तो करेंगे, ट्रेन का चयन करते हैं, टिकट कटाते हैं, गंतव्य स्थान को सोचते हैं और फिर उसमें किसी ट्रेन की बात करते हैं। लेकिन इस जो यात्रा जो गर्भधारण से चालू हुई, जो जीवन जीव का जन्म हुआ और जो यात्रा चलती रहती है अंतिम श्वास तक, उस यात्रा का गंतव्य कौन सा? ट्रेन की टिकट लेते हैं, टिकट के बिना तो बैठने नहीं देता आदमी, तो इसकी टिकट कैसी, इसकी पात्रता कैसी? ट्रेन में बैठने के लिए पात्रता चाहिए और ट्रेन तो एक वाहन है पहुंचाने का, तो किस वाहन में बैठे, कैसे बैठे? तो ये प्रश्न जो है बड़ा लंबा प्रश्न है, शताब्दियों का प्रश्न है। प्रश्न तो है, उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं। इतनी पर ये भी पूछ प्रश्न की बात है कि सबकी की यात्रा एक ही जगह की होती है? सबकी ट्रेन का एक ही तरह की हो सकती है? सबकी टिकट भी क्या एक तरह की हो सकती है? टिकट भी तो अलग अलग होती है, सेकंड क्लास की टिकट भी होती है, फर्स्ट क्लास की भी होती है, एसी की भी होती है, फर्स्ट क्लास की भी होती है, ट्रेन भी पैसेंजर भी होती है, एक्सप्रेस भी होती है, राजधानी भी होती है, शताब्दी भी होती है और टीवीएस भी होती है, गंतव्य बहुत होते हैं। तो अब ये किस प्रकार की ट्रेन, किस प्रकार की यात्रा, कहाँ का गंतव्य, ये प्रश्न है। कई जगह गंतव्य की बात आती है, तो कहाँ क्या चाहता है, कहाँ आदमी जाना चाहता है?
बिल्कुल आस्तिक होगा, भगवान की बात करेगा। कोई हिडोनिस्टिक व्यक्ति होगा तो सुख की बात करेगा, खूब प्रचुर सुख चाहिए, सुख की बात करेगा। कोई सेवाभावी भक्ता, मेरा जीवन तो सेवा का ही है, मैं तो सेवा में ही समर्पित हूं। तो कितने तरह के चिंतन चल रहे हैं। और कोई बोलता हमको तो कुछ मतलब नहीं, हमको तो धन से मतलब है, पैसे से मतलब है, आनंद से मतलब है। तो अलग अलग चिंतन है। तो अब ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के लिए हमने स्वामी जी के से निवेदन किया है कि इन पर विचार कर हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार की टिकट लें, किस ट्रेन में बैठें और कहाँ जाएं। स्वामी जी अपना प्रवचन प्रारंभ करें। इसके पूर्व मैं भारतीय संस्कृति संसद के अध्यक्ष श्री काशी प्रसाद जी खेरिया से निवेदन करता हूँ कि वे माल्य प्रदान कर स्वामी जी को प्रणाम करें। बताऊँ सूर्य भक्त वृंद, अभी भूमिका में चुड़ीवाल जी ने आपको बताया कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं। तो मार्गदर्शन तो वही व्यक्ति कर सकता है जो उस मार्ग पर गया हो, पर मैं तो आपके साथ खड़ा हूं तो मैं सहयात्री हूं आपका, इसलिए मार्गदर्शन तो नहीं कर सकूंगा। पर उन्होंने जब विषय मुझे बताया तो मुझे स्वयं को एक कौतूहलपूर्ण आश्चर्य हुआ कि ये तो ठीक है, इस पर विचार करके तो देखें हमारी जीवन यात्रा चल रही है। कभी हम लोगों ने इस पर विचार किया क्या? वैसे हम लोग गैरिक वस्त्रधारी हैं तो आप लोगों की ये धारणा रहती है कि हम इसी चिंतन इसी विचार में लगे रहते हैं, पर सदैव ये नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि जीवन में जो पूर्व संस्कार इस जन्म के और जन्मों के हैं वो दूसरी यात्रा के आदि हैं और इसलिए उधर ले जाते हैं। तो आज पहली बात जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इस पावन संध्या में आप हम सब यहाँ आकर एकत्र हुए हैं, वो क्या इसलिए एकत्र हुए हैं कि अपनी यात्रा में से थोड़ा सा विश्राम का समय लेकर यहाँ बैठें और कुछ बातें सुनें और फिर यहाँ से चले जाएं? यदि ऐसा कुछ है तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति, आप तो सत्संगी हैं, यहाँ संसद में जो भी वक्ता आते हैं जिनको आप सुनते हैं उसमें सभी वक्ता मुझसे श्रेष्ठ वाग्मी और विद्वान होते हैं। आपने बहुत कुछ सुना है और इतनी बातें आपने सुनी हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अब सुनाने का भी अधिकारी है। तो ये भगवान की कुछ लीला है कि मैं यहाँ वक्ता के स्थान पर हूँ और आप लोग श्रोता के स्थान पर हैं। तो जो मेरे मन में विचार आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम लोग आज इस पावन संध्या में केवल सुनने के लिए नहीं आए, सुनेंगे और गुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे। मनन करने के पश्चात हमें जो फल मिलेगा उस फल पर हमें कुछ निर्णय करना पड़ेगा। किंतु उसके पूर्व और आपसे एक निवेदन करना चाहूँ कि इस चर्चा का जो उद्देश्य मुझे लगा और मैं सोचता हूँ आप उससे सहमत होंगे, वो ये है क्योंकि हम सब यात्री हैं और हमारा अपना कुछ अनुभव है, तो अपने अनुभवों का पुनर्स्मरण करें। आज तक जितनी यात्रा हम कर चुके हैं उसमें हमें क्या अनुभव हुए, उन अनुभवों के आधार पर विचार करें, गुने, इस पर मनन करें और इस बात के लिए हम कृत संकल्प हों कि कुछ करेंगे। आज की संध्या हम ये निश्चय लेकर जाएंगे, कम से कम मैंने तो ये निश्चय किया है कि ऐसा कुछ निश्चय लेकर जाऊं कि सुना तो बहुत, अब कुछ करना होगा। तो ये बात आपको हमको स्मरण रखनी है कि हम यहाँ कृत संकल्प होकर आए कि बहुत हमने यात्रा के बारे में सुनी बात, पर अब हमको कुछ करना है। तो ये जो करने की बात है वो आपके हमारे सबके साथ है, पर इसकी विडंबना ये है
जिस यात्रा की हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें दूसरा यात्री हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। सब हमको सहयात्री है, चलना हमको पड़ेगा, करना हमको पड़ेगा, वो कुछ बातें बता सकता है। तो इस प्रकार जब हम कृत संकल्प होकर आए हैं कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर विचार करेंगे, और विचार का आधार क्या होगा, आज तक का अनुभव, और इस आज तक के अनुभव के बाद हम विचार करके देखेंगे कि कहीं कोई भूल त्रुटि हुई है क्या, और यदि नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, हुई है तो उसको बदलेंगे, ठीक करेंगे। इस प्रकार का एक निश्चय लेकर इस मना स्थिति से जब हम विचार करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहली बात हमारे मन में जो आएगी या आती है वो ये है कि आखिर ये यात्रा क्या है। जीवन की यात्रा, मानव जीवन की यात्रा तो ठीक है, अभी परमानंद जी ने बताया कि हम प्रतिदिन ऑफिस के लिए भी यात्रा करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, युवक युवतियाँ कॉलेज जाती हैं, वो भी यात्राएं हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर इन बातों पर विचार करें। वैसे थोड़ी सी दार्शनिक बात यहाँ आपके सामने रखूं, फिर इस पर चर्चा हो। और दार्शनिक बात यह है कि हम जो भी विचार करते हैं उसकी कुछ धारणाएं होती हैं, अंग्रेजी में उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये शब्द उसके सूचक होते हैं, सिंबल जिनको कहते हैं। तो शब्दों के द्वारा जब हम विचार करते हैं तो शब्दों के पीछे जो तात्पर्य हम समझते हैं उसके अनुसार हमारा विचार होगा। जैसे एक अंग्रेज या अमेरिकन या फरासी कोई व्यक्ति आए और उसको हम कहें कि आप गोदुग्ध लेंगे, तो उसको कोई समझ में आएगी नहीं बात कि क्या चीज है ये। पर उसको अगर हम कहें काउस मिल्क, तो काऊ कहते उसके मस्तिष्क में एक धारणा है, जानता है काऊ अर्थात क्या। हमारे मन में गाय कहने से जो बात आती है उसके मन में काऊ कहने से वही बात आती है, और दूध के लिए दूध समझता है वो, मिल्क के लिए दूध समझता है। तो शब्दों का यदि हमें अर्थ न ज्ञात हो तो भी हम नहीं समझ सकते, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण बात है तात्पर्य उसका मालूम होना चाहिए। एक अमेरिकन, अंग्रेज या पाश्चात्य विदेशी के लिए काउ शब्द या गो शब्द, शब्दार्थ तो उसके लिए भी गाय है और हमारे लिए भी गाय है, किंतु उसका भावार्थ और तात्पर्य देखिए। एक मुसलमान को या एक ईसाई को या एक अमेरिकन को काऊ कहते लगेगा इट्स ए गुड फूड, ये अच्छा भोजन है। आप हम कभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, उनके बच्चों को वही बात आए क्योंकि उनके संस्कार हैं। तो इन शब्दों के पीछे जो भावनाएं हैं, जो तात्पर्य हैं, वो तात्पर्य भी ऐसी किसी सभा में बैठकर नहीं बनाए गए, हजारों सालों की परंपरा के अनुभव के आधार पर। उसको अगर हम ईश्वर में विश्वासी हैं तो हम कहें ईश्वर कृत है, ईश्वर ने बनाई है वो चीज़ें। तो ये जो भावनात्मक बातें, उन शब्दों का जो तात्पर्य है, उन तात्पर्यों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस तात्पर्य के बिना हमारा चिंतन ऊपर ऊपर रह जाता है, उथला और छिछला रह जाता है। चिंतन अगर उथला और छिछला होगा तो जीवन भी उसी प्रकार उथला और छिछला रह जाएगा। तो आइए शब्दों के ये जो अर्थ हैं, इन अर्थों के पीछे जो तात्पर्य है उसमें कुछ शर्तें होती हैं, उस पर विचार करके देखें। यात्रा, किसी भी यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्योंकि आप हम सब यात्री हैं, हम चाहें या ना चाहें यात्री हैं। तो यात्रा की सबसे पहली शर्त है, यात्री को ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है। थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा में अगर कहूँ तो उसको अपनी स्थिति और उसके बाद अवस्थिति, ये क्या है इस पर हम विचार करें। तो पहली बात, उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है। जब तक हमें ये ज्ञात नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी यात्रा प्रारंभ हो ही नहीं सकती, और यदि प्रारंभ हो जाए तो भटकाव होगा। चलना मात्र यात्रा नहीं है, चलना शुरू कर दिया तो वो यात्रा नहीं है, बहुत से लोग भटक रहे हैं। तो यात्रा की पहली ये शर्त कि यात्री कहाँ है उसको मालूम होना चाहिए। आप कलकत्ते की किसी एक जगह में खड़े हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं, मान लीजिए मैं कलकत्ते में नया आदमी,
मैं डलहौजी में खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे बेलूर मठ जाना हो तो किधर जाना है, या गोल पार्क जाना हो तो किधर जाना, और कोई व्यक्ति बता देगा। किंतु जिस यात्रा के हम यात्री हैं, उस यात्रा में बाहर से दिखने वाली वस्तुएं बहुत कम हैं, सारी वस्तुएं भीतर की हैं। तो यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो यात्री ने जब ये जान लिया कि वो कहाँ खड़ा है, तो दूसरी अत्यंत आवश्यक बात जो उसको जाननी चाहिए वो है गंतव्य के संबंध में, कि भाई जाना कहाँ चाहता है। ये तो जान लिया कि जाना कहाँ हूँ मैं, पर जाना कहाँ चाहता है इसकी भी उसके मन में धारणा होनी चाहिए। जब तक गंतव्य के संबंध में हमारे मन में स्पष्ट धारणा नहीं है, तब भी यात्रा नहीं प्रारंभ हो सकती है। फिर यदि प्रारंभ हुई तो भटकाव होगा। और तीसरी जो बात है प्रत्येक यात्रा के लिए आवश्यक, वो बात यह है कि यात्रा का वाहन और मार्ग, किस वाहन से और किस मार्ग से। तो पहले थोड़ी अवस्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में सोचें। ये भूल केवल आपसे हमसे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई है। कुछ बातें जब आपके सामने मैं रखूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये बात सुनने में तो बड़ी सरल लगी कि भाई हम कहाँ खड़े हैं देख ले, पर हम निरंतर चल रहे हैं। तो पहली बात यात्री को ये करनी पड़ेगी कि भाई थोड़ी देर तो रुकें, चलते रहेंगे तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ खड़े हैं। अभी डलहौजी में खड़े थे और परमानंद जी के साथ बातचीत करते चल रहे हैं, तो डलहौजी तो पार हो गया, तो कैसे पता लगेगा। और ये पार होना बहुत बार एक गोल चक्र में हो रहा है। तो यात्री ये ठीक से जाने कि वो खड़ा कहाँ है, इसके लिए उसे आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा और बाहर भी झांक कर देखना पड़ेगा कि जीवन की इस यात्रा में आज तक मैं चलता रहा हूँ या चलाया जाता रहा हूँ। ये बहुत पते की बात और बड़ी बात है। देखिए, वैसे दर्शन का पक्ष यदि छोड़ दें तो जन्म लेने में हमारा कोई अधिकार नहीं था, प्रकृति ने जन्म दिया, हमारा जन्म हो गया। तो जिस दिन से जन्म हुआ, श्वास प्रश्वास शुरू हुआ, उसी प्रकार यात्रा भी चली। और प्रकृति ने किसी को 20 वर्ष, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 55, 60, 62, 72 मिलाकर खड़ा कर दिया है। तो इस यात्रा में हम कहीं चलें तो बहुत बार विचार करके देखेंगे, हम चले नहीं, चला के लाए गए हैं, किसी ने चलाया है। तो इस यात्रा में हम कहाँ हैं ये जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करके देखें। और जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें ठीक ठीक मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम रुकेंगे, आत्मनिरीक्षण का मतलब ही होता है रुकना। आप विचार करके देखिए, जिस क्षण आप आत्मनिरीक्षण प्रारंभ करते हैं उतनी देर के लिए यात्रा रुकी। तो प्रत्येक यात्री को आत्मनिरीक्षण करके देखना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ा है। और कहाँ खड़ा है जब ये मालूम हुआ, आश्वस्त हो गया कि ठीक है, मैं नीचे से नीची जगह में खड़ा हो सकता हूँ, मध्य में हो सकता हूँ, ऊंची से ऊंची जगह में खड़ा हो सकता हूँ, इसका मुझे ज्ञान हो गया, तो यात्रा की एक शर्त मैंने पूरी कर ली। तीन बातें आपके सामने रखी थी कि यात्री कहाँ है, गंतव्य क्या है, मार्ग और वाहन। तो एक शर्त पूरी हुई, मन थोड़ा निश्चिंत हुआ। अब दूसरी शर्त पर सोचें कि गंतव्य क्या है। आज तक जिस यात्रा में प्रकृति ने हमको लाया या हम चलाए गए, कहीं पहुंचे क्या। और प्रत्येक आत्मनिरीक्षक को यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कहीं नहीं पहुंचे, हम चल ही रहे हैं। जो ये देखने के लिए आत्मनिरीक्षण शुरू किया कि आखिर हम कहां खड़े हैं, तो पता लगा कि भाई खड़े हुए ही नहीं हैं, चाहे हम 75 वर्ष के हों या 25 वर्ष के हों, निरंतर चल रहे हैं। और चल रहे हैं तो पहुंचना तो कहीं हुआ ही नहीं, चलते जा रहे हैं। तो आत्मनिरीक्षण ने रोक के कहा कि सावधान, गंतव्य पर विचार करो। तो यात्री गंतव्य पर विचार करता है, और जब हम गंतव्य पर विचार करते हैं और ये स्थिर हो जाता है कि हमारा ये गंतव्य है, तो यात्रा की दूसरी शर्त हमें हमने पूरी की है। कहाँ खड़े हैं ये मालूम हो गया, और गंतव्य की भाई हम चल रहे हैं, पहुंचे कहीं, पहुंचना एक जगह है जहां यात्रा समाप्त होगी, उसका नाम गंतव्य है।
तो गंतव्य के विषय में थोड़ा विचार किया, और गंतव्य के विषय में जब विचार किया तो तीसरी जो बात हमारे सामने आती है वो है रास्ते की, मार्ग की और वाहन की। कि गंतव्य भी हमने जान लिया कि अमुक जगह जाना है, ये भी जान लिया कि कहाँ खड़े हैं, पर रास्ता तो मालूम होना चाहिए। रास्ता अगर मालूम नहीं होगा तो हम कैसे जा सकेंगे, चलना प्रारंभ नहीं कर सकेंगे। और जब भी इन बातों पर विचार किए बिना हम चलना प्रारंभ करते हैं या चल रहे हैं, हमेशा भटक रहे हैं, और भटकने वाला यात्री कभी गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता है, केवल उसके समय का, शक्ति का, सबका नाश ही होता रहता है। इसलिए हम सब यात्री हैं और यात्रा हमारी विवशता है, हम सब यात्री हैं, आप इस यात्रा को रोक नहीं सकते हैं, विवश होकर हमको चलना पड़ रहा है। इसलिए और अधिक सावधानी की आवश्यकता है कि जब ये यात्रा हमारे लिए आवश्यक है, करना ही है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा विचार करें। इस यात्रा के मार्ग अनेक हो सकते हैं, फिर और विस्तृत मार्ग की चर्चा अभी तो 3 दिनों होगी। मार्ग के साथ वाहन भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किंतु बाहर जो कुछ दिखता है सब कुछ उसी प्रकार, उसी अर्थ में अंदर नहीं। तो हम ये जान लें कि इस यात्रा के रास्ते हमें जानना आवश्यक है और वाहन जानना आवश्यक है। हमने वो भी जान लिया, हमने ये जाना कि हम कहाँ खड़े हैं, गंतव्य जान लिया, हमारा वाहन जान लिया और रास्ते जान लिए, और तब चलना शुरू किया। जब यात्रा प्रारंभ होती है तभी भूलें होती। हम अगर खड़े हैं तो यात्रा में आने वाली कठिनाइयां भी नहीं आएंगी, भूलें भी नहीं आएंगी। आज तक यात्रा हमसे कराई गई, इसलिए जो भूलें हुई वो कराने वाले की थीं, भले ही हम उसके लिए भुगत रहे हैं, अंत में वो जवाबदारी हमारी आएगी, वो दूसरी बात है। तो प्रारंभ यहीं से हम विचार करके देखें। तो आइए, जो एक बड़ी भूल हमसे यहाँ हो जाती और वो ये है कि हमारी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु, हमने कहाँ से यात्रा प्रारंभ की, जो ही ये विचार मन में आता है तो हमें लगता है कि मैंने यात्रा अभी प्रारंभ की है, चाहे वो 10 वर्ष की अवस्था में हो, 25 वर्ष की अवस्था में हो। और ये बात जब मन में आई कि मैंने यात्रा अभी प्रारंभ की है, तो अपनी यात्रा का सारा हिसाब किताब, उसका सारा लेन देन हम अभी चाहते हैं, इसी यात्रा में सब कुछ फैसला कर लेना चाहते हैं। और ये भूल आपसे और हमसे हुई, ये तो हुई हजारों साल पहले की बात है, कोई 5,000-7,000 साल पहले की बात। और ऐसा एक यात्री जो गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंचने वाला था और पहुंचा, उस यात्री से भी ये भूल हुई, और उस यात्री का मार्गदर्शक जो आद्योपांत जानता था कि जीवन यात्रा क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ अंत होगा, उसका ये सौभाग्य था। और जब उसने उस यात्री को रास्ता दिखाया, बताया कि देख ये रास्ता है, तो तुरंत वो महायात्री इस महामार्गदर्शक से कहता है कि भगवान ये क्या बात है, आप तो कहते हैं कि अभी जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं ये बहुत पहले मैंने और भी बहुत से लोगों को बताई है, और जिन लोगों के आपने नाम लिए वो हमसे हजारों साल पहले पैदा हुए थे, तो ये मैं कैसे जानूं, कैसे विश्वास कर लूं। और आप सब सत्संगी हैं, सब जानते हैं, वो महायात्री था अर्जुन और ये महामार्गदर्शक सारथी थे कृष्ण। और तब कृष्ण को ये बताना पड़ा कि तू अगर सोचता है कि सारा हिसाब इसी में है तो बिल्कुल भूल कर रहा है, इसके पहले भी तेरे बहुत से जन्म हो चुके, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिनके विषय में तू नहीं जानता है पर मैं सब जानता हूं। तो प्रत्येक यात्री को यह स्मरण रखना पड़ेगा, ये याद रखना होगा कि हमारी यात्रा की शुरुआत, हमारा ये जीवन नहीं है, और यदि इसी जीवन में हम सारा चुकता कर लेना चाहते हैं तो वो रास्ता उसका दूसरा है, हमें उसका आदि अंत मालूम हो तब, बिना कृष्ण के समान मार्गदर्शक के इसमें सारा चुकता करना कठिन बात है। तो आइए, जब ये निश्चय है कि हमारी यात्रा का ये प्रारंभिक बिंदु नहीं है, हमने आज ही अपनी यात्रा शुरू नहीं की है,
और जब आज ही हमने अपनी यात्रा नहीं शुरू की है तो हमें फिर से विचार करना पड़ेगा और बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, और वो इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो कुछ हमारे खाते में आया है या जो हम दूसरों को देना चाहते हैं वो सब कुछ अभी का नहीं, इसके पहले की बहुत सी चीज़ें हैं, और पहले की जो चीज़ें हैं उसको रत्ती रत्ती चुकाना पड़ेगा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ खड़े हैं, ये हमारे आज के ही प्रयत्न का परिणाम नहीं है, इसलिए उस पर पश्चाताप करना, रोना कि अरे क्या करें, अगर हमारा स्वास्थ्य ऐसा होता तो अमुक कर लेते, अगर परिस्थितियां हमको ऐसी मिली होती, बचपने से ऐसे सुयोग में रहते तो आज तक महात्मा हो गए होते, ये गरीबी ये अमीरी इस तरह की सारी कठिनाइयों का रोना अगर रोते हैं तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि कहाँ खड़े हैं सोचने वाले को रुक के आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, और आत्मनिरीक्षण करके वो पाएगा कि ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हमारे जीवन के हैं जिनका उत्तर आज के जीवन में नहीं मिलता है। हमने ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों हमारी ऐसी वृत्ति है, क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं, तो कभी भगवान पर लादते हैं, कभी रिश्तेदारों पर, कभी दुश्मनों पर, कभी बाहर की परिस्थितियों पर, विभिन्न प्रकार अपनी जवाबदारी दूसरों के कंधों पर लादने का प्रयत्न करते रहते हैं, और इसलिए हमारी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो पाती है, इसलिए कि हमको मालूम नहीं हम कहाँ खड़े। तो ये स्थिति की बात और अवस्थिति की आपसे निवेदन किया था। स्थिति तो ठीक है, 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष 72 वर्ष जो है ये हमारी स्थिति है, यात्रा में यहाँ है, स्थिति का एक मूल्य है, आवश्यक भी है, किंतु स्थिति से अधिक मूल्यवान बात अवस्थिति है। मैंने शब्द का आपसे पहले निवेदन किया था, स्थिति माने जहाँ हम बाहर से दिख रहे हैं, अवस्थिति है भीतर की बात, कैसी अवस्था में हमारा मन है, कैसी अवस्था में हमारी बुद्धि है, भीतर से हम क्या हैं, हमारी अवस्थिति। स्थिति तो आप बाहर से मेरी भी देख रहे हैं, मैं भी आपकी देख रहा हूँ, पर आपकी अवस्थिति क्या है, किस अवस्था में आप स्थित हैं, आप भीतर जो हैं वही आपका आपा है, तो वो कहाँ है इसको हम जान नहीं सकते। इसलिए फिर घूम फिर के वही बात आई कि आत्मनिरीक्षण के द्वारा स्थिति के साथ अवस्थिति को भी देखें, क्योंकि आप हो सकता है जीवन के 50वें वर्ष में, 52वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 60वें वर्ष में हो, और वहाँ से आपको यात्रा प्रारंभ करनी, इसलिए करनी कि आज तक यात्रा कराई गई है और जहाँ हमको पहुँचना कहीं नहीं पहुँचा है, वो निरंतर चला रही, इसलिए हम रुके हैं कि अब यात्रा हमसे कराई नहीं जाएगी, हम स्वयं यात्रा करेंगे, और यात्रा करेंगे तो स्वयं निर्णय करेंगे। तो जब हमारे जीवन में ये प्रसंग आता है, हमने जब ये देखा कि हमारी अवस्थिति क्या है, तो हमारी यात्रा के नए नए आयाम हमको दिखने लगे या दिखेंगे जब हम विचार करेंगे कि हमारी अवस्थिति क्या है। यात्रा तो चल रही थी, यात्रा चलते चलते कभी ये जो चलाने की बात आपके सामने मैंने रखी, इसके बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर भी थोड़ा हमको विचार कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन बातों का विचार करके तब हम इसको सम्यक दृष्टि से देख सकेंगे। तो ज्यों ही आप अवस्थिति का विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप हम किसी बस स्टैंड पर, किसी एरोड्रम में, किसी स्टेशन मात्र में नहीं खड़े, हम खड़े हैं एक जंक्शन में, हम खड़े हैं कलकत्ता बम्बई या मद्रास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहाँ से सभी देशों के लिए हवाई जहाज जाते हैं, जिस स्टेशन से सभी देशों के लिए, सभी रास्तों के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। तो जीवन के इस जंक्शन में हम खड़े हैं, ये आपको या हमको अवस्थिति बताएगी, स्थिति नहीं बता सकती। स्थिति ने तो बता दिया कि हाँ आप हावड़ा स्टेशन में हैं, ये हमारी स्थिति है, पर हावड़ा स्टेशन से कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्या जाती हैं, इसका नाम अवस्थिति होगा, अंदर से देखें। तो अब इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम एक जंक्शन में हैं। तो जब हम ये जान गए कि हम एक जंक्शन में हैं, तो भले ही अभी गंतव्य की बात हमें उतनी मालूम न हो, रास्ते की खबर लें तो स्टेशनों में या एयरपोर्ट्स में सूची लगी होती लंबी लंबी कि कहाँ से कहाँ गाड़ी जाएगी, कितने बजे जाएगी, प्लेन कहाँ से कहाँ जाएगा। आप और हम
जीवन यात्रा के जिस जंक्शन पर खड़े हैं उस जंक्शन से विभिन्न दिशाओं में गाड़ियां जाती हैं। इस जंक्शन में जाने वाली गाड़ी हमको स्वर्ग में पहुंचा सकती है, इस जंक्शन से जाने वाली गाड़ी हमको नरक में पहुंचा सकती है, इस जंक्शन से जाने वाली गाड़ी पितृलोक में पहुंचा सकती है, देवलोक में पहुंचा सकती है। उतना ही नहीं, इसी जंक्शन से जाने वाली गाड़ी हमको ब्रह्मलोक में पहुंचा सकती है, हमारे इष्टलोक में पहुंचा सकती है, जीवन मुक्ति के धाम में पहुंचा सकती है।